हिमाचल कांग्रेस ने आज मोदी सरकार की अलोकतांत्रिक नीतियों के खिलाफ शिमला स्थित राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार राज्यों में कांग्रेस सरकारों को अस्थिर कर रही, उन्हें गिरा रही है, उसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस राजभवनों के बाहर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में राजभवन देश के लोकतंत्र का संरक्षक होता है, पर अगर यही किसी राजनीतिक दबाव में काम करने लग जाए तो देश का संविधान और इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाएगी, जिसे बचाना बहुत ही जरूरी है। राठौर ने कहा कि जिस प्रकार बीजेपी ने पहले गोवा फिर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर किया और वहां जोड़ तोड़ कर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, आज उसी प्रकार राजस्थान में गहलोत सरकार को अस्थिर कर बीजेपी अपना पूरा राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का राजभवन बीजेपी की राजनीति का केंद्र बन गया है, जो बहुत हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलर हर तरह के गलत हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो मैं इस विषय पर लोकतंत्र की हत्या। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से इन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को इन्होंने खराब करने का एक प्रयत्न किया है, उसकी हम घोर निंदा कि पहले गोवा में, कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर राजस्थान में इस तरह एक सुनियोजित तरीके से इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया। होश हो चुके हैं कि इन्होंने संविधान राजनीतिकरण करके उनकी गरिमा को कम करने का प्रयास किया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हर नेता और आम जनमानस जो है वो उसकी कड़ी निंदा करता है। चाहिए क्योंकि ये जो सरकार है ये जन विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ आर्थिक तंगी, कितनी आत्महत्याएं हो रही है, हिमाचल प्रदेश में भी कितने लोगों ने आत्महत्याएं करी है और नौकरी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद। हमारे इतने BSNL को देखिए आप, कितने कर्मचारी हमारे नौकरी से निकाल दिए, कितने रेलवे के कर्मचारी हमारे नौकरी से निकाल दिए, और सबसे शर्म की बात जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे भी लोग लगे हैं कोरोना में, हमारे डॉक्टर्स जो रात दिन अपनी जान को हथेली पे रख के हमारी सेवा कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स की भी इन्होंने तनख्वाह काट दी। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। और इसको भी बंद कर देने का, गांव को छीन लिया जाए, इसलिए सरकार होती है। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, मैं लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ, क्या सरकार इसलिए होती है कि कोई आदमी, कोई गरीब आदमी, किसी के पास किराया नहीं है, किसी के पास कोई सुविधा नहीं है, उस सुविधा को आप छीन रहे हैं, और वो भी कब छीन रहे हो? उस समय छीन रहे हैं जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। अरे क्या है, इसलिए सरकार बनाते हैं। हमारे संविधान में क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। क्या इसीलिए इस सरकार को लोगों ने चुना था? हमें कहते हैं कि आपको सत्ता से बाहर कर दिया। अरे 70-60 साल हमें लोगों का प्यार मिला, हमें लोगों ने एक मैंडेट दिया, 60 साल हमने राज किया, आप लोगों के मत से आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, लेकिन ये लोग जैसे सत्ता में बैठे इन्होंने सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम किया, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। अरे हमारे पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, नेहरू बनने के लिए युग लग जाएंगे, सरदार पटेल बनने के लिए युग लग जाएंगे, बनने के लिए युग लग जाएंगे। कोई भी नेता नहीं बनता, सत्ता से उनके गाल पे एक तमाचा लगाया था, लेकिन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कभी ये नहीं कहा, उसका कभी राजनीतिकरण नहीं किया। उन्होंने एक मिनट वो बोली थी सिर्फ कि हमने पाकिस्तान पर अटैक करके एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया। ये नेता होते हैं, इन्हें नेता कहा जाता है।
लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा। मैं कहना चाहती हूँ ये जन विरोधी सरकार है। इस जन विरोधी सरकार का जितना हम विरोध कर सकते हैं हमें विरोध करना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिस तरह से आज सरकार ने ये रवैया अपनाया हुआ है कि कोई बोल नहीं सकता, हमें कहते हैं आप बोल कैसे रहे हो। अरे भाई आप कौन होते हैं हमारे बोलने से रोकने वाले? हमारा संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। जब तक संविधान रहेगा ये देश रहेगा। मेरा देश भारत, मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश महान है। और ये महान किससे बना है? हम आप लोगों से बना है। इस वक्त देश में लोकतंत्र खतरे में और ये भारतीय जनता पार्टी की जो देश में सरकार है, जितनी गैर भाजपा सरकारें हैं उनको गिराने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। और आपने देखा कि गोवा में किस ढंग से हुआ, उसके बाद कर्नाटका में पुनरावृत्ति हुई और वही मध्य प्रदेश में हुआ। अब इनकी कुदृष्टि जो है राजस्थान पे, राजस्थान में जिस ढंग से सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है, विधायकों को खरीदने का प्रयास हो रहा है, वो निंदनीय है। एक तरफ जो पूरी मानवता है वो कोरोना के चलते सिसक के रो रही है और अभी इस सरकार का ये दायित्व बनता था कि मिलजुल के इस बीमारी से लड़े, लेकिन आज भी ये सरकार जो है राजनीति कर रही है। और वहाँ के जो राज्यपाल है वो पक्षपातपूर्ण उनका रवैया है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि सेशन को बुलाया जाना चाहिए, वो सेशन को क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि जो गवर्नर है उनका एक दायित्व बनता है, उनका संवैधानिक दायित्व है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गवर्नर है वो सरकार के हाथों में जो है एक कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। आज का जो हमारा यहाँ उद्देश्य था, हमने गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया, हम गवर्नर साहब से के थ्रू जो है राष्ट्रपति को संदेश देना चाहते हैं कि संवैधानिक जो संस्थाएं उनकी हत्या बंद करो और आप अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन करो और तुरंत वहाँ जो है सत्र बुलाया जाना चाहिए ताकि हमारे जो मुख्यमंत्री है उनको जो है अपना बहुमत साबित करने का मौका मिले। कि अभी ये मामला हमारे संज्ञान में आया और मैंने मुख्यमंत्री जी को और देश के जो रक्षा मंत्री उनको पत्र लिखा कि किस तरह से हमारा जो बॉर्डर है वहाँ तक चीन अपनी जो है सड़क बना रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है और ये 2 महीने के अंदर अंदर ये हरकत चीन की तरफ से हुई है और मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारा खुफिया तंत्र बिल्कुल असफल रहा है। इस बात की जानकारी खुफिया तंत्र को नहीं मिली। जो स्थानीय लोग जो बॉर्डर पे भेड़ बकरी पालक हैं उन्होंने ये जानकारी जो है वीडियो के मार्फत जो है पूरे देश को दी। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो हमारा खुफिया तंत्र है उसको मजबूत करें और आने वाली किसी भी इवेंटिटी के लिए जो है हमारे देश को जो है तैयार रहने की जरूरत है।